Question number 11 says, given figure is made up of a square and a rectangle. Find the length of LK. ये बेटा एक स्क्वायर गिवन है एंड वन रेक्टेंगल इज गिवन. आपको लेंथ फाइंड करनी है बेटा इस LK साइड की. अब LK क्या है बेटा? दिस इज द साइड ऑफ अ स्क्वायर. इट मीन्स आपको स्क्वायर की साइड फाइंड करनी है, लेकिन मेजरमेंट गिवन है बेटा रेक्टेंगल की साइड्स के. तो जिसके मेजरमेंट गिवन है आप उसी की प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे. अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है बेटा कि उसकी ऑपोजिट साइड्स की लेंथ इक्वल होती है. इट मीन्स जीजे का जो मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली सेम है एच आई के. देखिए जी जे इक्वल्स टू एच आई. दिस साइड इज एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वन साइड. क्यों है बेटा? क्योंकि ये ऑपोजिट साइड्स हैं एक रेक्टेंगल की. क्लियर? जब देखिए बेटा ये मेजरमेंट 19 सेंटीमीटर है, इट मीन्स जीजे की वैल्यू भी कितनी होगी? 19 सेंटीमीटर. लेकिन जी जे ये बन रहा है बेटा किसके मिलने से? देखिए जी एन, एन के और के जे के कॉम्बिनेशन से. क्लियर? तो जी जे की प्लेस पे आप क्या मेंशन कर सकते हैं? जी एन दिस साइड प्लस एन के दिस वन साइड सेकेंड प्लस दिस के जे. तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा बेटा तो हमारे पास आ जाएगी ये कंप्लीट साइड जी J. Clear? Now this is equals to HI. HI means 19 centimeter. Clear है बेटा ये फर्स्ट पॉइंट. अब नेक्स्ट देखिए बेटा GN की वैल्यू गिवन है आपके पास 6 सेंटीमीटर. KJ की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर. तो जो वैल्यूज गिवन है उन्हें सिंपली आप पुट कर दीजिए इसमें. देखिए GN इज गिवन है 6 सेंटीमीटर प्लस NK ये आपके पास गिवन नहीं है तो इसे आप एज इट इज मेंशन कर दीजिए प्लस के जे इज गिवन एज 3 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज इक्वल्स टू 19. क्लियर बेटा? अब सिंपली 6 प्लस 3 ये हो जाएगा बेटा 9. इट मीन्स 9 प्लस NK इक्वल आ जाएगा बेटा 19K. तो NK की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? देखिए 19 तो ऑलरेडी है बेटा यहाँ पे. इस 6 प्लस 3 को भी आप राइट हैंड साइड में ले लेंगे. देखिए बेटा 6 प्लस 3 मीन्स 9 और +9 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो ये चेंज हो जाएगा -9 में. क्लियर? सो 19 - 9 विल बी 10. इट मीन्स NK की वैल्यू आ गई बेटा आपके पास 10 सेंटीमीटर. गॉट इट बेटा? यूनिट गिवन है सेंटीमीटर तो आप वही यूज़ करेंगे. जब बेटा NK की वैल्यू 10 आ गई आपके पास. ओके अब NK क्या है बेटा? इस स्क्वायर की ये साइड. एंड वी नो दैट ऑल साइड्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल. स्क्वायर की चारों साइड्स की लेंथ बेटा एग्जैक्टली सेम होती है. जब NK 10 है इट मीन्स LK की लेंथ भी कितनी होगी बेटा? 10 सेंटीमीटर. विच मीन्स D इज द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज 1/2 एज शेडेड फ्रैक्शन. इनमें से कौन सी फिगर का बेटा शेडेड पार्ट का फ्रैक्शन 1/2 है? तो देखिए बेटा फर्स्ट फिगर में देखते हैं टोटल है हमारे पास 1, 2, 3 पार्ट्स. ओके एंड आउट ऑफ 3 1 पार्ट इज शेडेड. दैट मीन्स दिस फिगर इज शोइंग द फ्रैक्शन 1/3. नंबर ऑफ शेडेड पार्ट्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स. क्लियर बेटा? तो फर्स्ट फिगर शो कर रही है 1/3 फ्रैक्शन, जबकि आपको चाहिए बेटा 1/2 फ्रैक्शन. नेक्स्ट में देखिए बेटा टोटल है पार्ट्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 and out of 6 how many are shaded? 1, 2, 3, 4. 4 part shaded है बेटा. It means ये फिगर क्या शो कर रही है? 4/6 फ्रैक्शन. It means 2 2s are 4, 2 3s are 6. So 2/3. So ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बेटा क्योंकि आपको चाहिए 1/2. नेक्स्ट चेक करते हैं बेटा B के लिए टोटल कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 plus 6, 12. It means total parts are 12. And out of 12, how many are shaded? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 parts are shaded. Number of shaded part upon number of total part. So 6 1s are 6, 6 2s are 12. That means this figure is showing the fraction 1/2. Clear beta? So B will be the correct option. Next question says, find the estimated value of the number shown on the abacus when rounded off to the nearest hundreds. ये बेटा अबेकस पे एक नंबर शोन है, आपको इसे नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करना है। तो सबसे पहले आप चेक करिए बेटा नंबर क्या गिवन है। स्टार्ट करते हैं बेटा वंस प्लेस से, 1 2 3 4। इट मीन्स वंस प्लेस पे डिजिट है बेटा 4। नाउ ऑन टेंस प्लेस 1 2। नाउ ऑन हंड्रेड्स प्लेस वी हैव 1 2 3 4 5। On thousands place we have 1 2 3, and on 10,000s place we have 1 2. Clear? So number क्या shown हो रहा है बेटा अबेकस पे 23,524। आपको इसे round off करना है बेटा nearest hundreds के according। तो सबसे पहले आप check करिए इसकी hundreds place, ones, tens, hundreds। It means hundreds place पे जो digit है वो क्या है बेटा 5। अब बेटा ये 5 चेंज होगी या नहीं ये डिपेंड करेगा बेटा इस टेंस डिजिट पे। मींस जब आप नियरेस्ट 100 कर रहे हैं राउंड ऑफ तो आपको क्या चेक करनी होगी इसकी टेंस डिजिट। जैसे यहाँ पे है बेटा टेंस डिजिट 2। अब आपको ये देखना है बेटा ये 2 5 से लेस है या 5 से ग्रेटर है। तो जो 2 है बेटा ये 5 से स्मॉलर है, 2 इज लेस देन 5। और जब बेटा 2 स्मॉलर है 5 से इट मीन्स इस 100 प्लेस में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ये 100 प्लेस की डिजिट एज इट इज़ रहेगी। लेकिन अगर बेटा ये 5 से ग्रेटर होती, सपोज यहाँ पे 6 होता या 7 होता तो ये डिजिट 100 प्लेस वाली चेंज होती। अगर देखिए बेटा ये 5 से ग्रेटर होती, सपोज यहाँ पे 6 होता इस 2 की प्लेस पे, तो 6 इज ग्रेटर देन 5 होता बेटा। और जब ये वैल्यू 5 से ग्रेटर हो या फिर 5 हो तो हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है तो आप 5 को चेंज नहीं करेंगे। चेंज क्या होंगी बेटा, देखिए आपने किया नियरेस्ट 100 तो 100 से जस्ट पहले यहाँ पे है हमारे पास टेंस और वंस डिजिट, तो ये दोनों चेंज हो जाती हैं बेटा जीरोस में। क्लियर? और रिमेनिंग डिजिट एज इट इज आएंगी। इट मीन्स जब आप इसे नियरेस्ट 100 के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 23,500। सो बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। एंड बेटा अगर आपको राउंड ऑफ का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक गिवन है, आप वहां से इसका बेसिक क्लियर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। इफ एक्स इज ए 7th मल्टीपल ऑफ 8, अगर x की वैल्यू क्या है बेटा 7th मल्टीपल है 8 का, इट मीन्स 8 के टेबल में 7 टाइम्स पे क्या आता है, 8 की टेबल में 7 टाइम्स का मीन्स 8 7 जा, तो ये होता है बेटा आपका 56। तो x की वैल्यू गिवन है बेटा 56। एंड y इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 150। y जो है बेटा ये क्या है, स्मॉलेस्ट फैक्टर है 150 का। किसी भी नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है बेटा 1, क्योंकि हर नंबर 1 से और अपने आप से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। एक पॉइंट और क्लियर कर देते हैं बेटा, मल्टीपल और फैक्टर में ऑलमोस्ट बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो मल्टीपल होता है बेटा, जैसे अगर आपको 8 का मल्टीपल फाइंड करना है तो 8 के मल्टीपल्स होंगे 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। इट मीन्स 8 16 24 32 एंड सो ऑन, ये सारे हैं बेटा मल्टीपल्स। क्लियर? और फैक्टर्स होते हैं बेटा जिस नंबर से 8 एग्जैक्टली डिविजिबल है। जैसे 8 डिविजिबल है बेटा 1 से, 8 डिविजिबल है 2 से, 8 डिविजिबल है 4 से, 8 डिविजिबल है 8 से। तो ये चारों नंबर्स जो हैं बेटा ये फैक्टर हो जाएंगे 8 के। क्लियर? अब 150 का स्मॉलेस्ट फैक्टर क्या होगा बेटा 1, क्योंकि हर नंबर का स्मॉलेस्ट फैक्टर बेटा 1 ही होता है। क्वेश्चन है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस वाई। इट मीन्स आपको वैल्यू फाइंड करनी है बेटा x माइनस वाई की। x माइनस वाई मीन्स x की वैल्यू में से आपको y सब्ट्रैक्ट करना है। सो x इज 56 माइनस y, y की वैल्यू है बेटा 1, सो 56 माइनस 1 विल बी 55। क्लियर बेटा? तो वैल्यू क्या आ गई बेटा 55, विच मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट बेटा? आई होप बेटा ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। एंड बेटा वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जय माता दी फ्रेंड्स।